हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल machinewala.com पर। दोस्तों फिर आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और यूनिक उद्योग लेकर आई हूँ। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये जो मशीन दिख रही है आपको, ये फ्रोजन फ्रूट बनाने की मशीन है। किस प्रकार से फ्रोजन फ्रूट बनाया जाता है, कैसे इसका पूरा प्रोसेस है, कैसे इसका रॉ मटेरियल आता है, किस प्रकार से स्टोर होता है, आज हम इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पूरा। हम मशीन के बारे में जानेंगे। जैसे कि दोस्तों आप ये जो मशीन देख रहे हैं, ये फ्रोजन फूड बनाने की मशीन है। इसके अंदर आप ये जो स्टीम देख रहे हैं, तीनों अलग अलग टाइप की है। इसके अंदर ये जो आप तीनों हॉपर देख रहे हैं, ये अलग अलग है। इसके अंदर आप जो स्टीम है, तीनों अलग अलग प्रोडक्ट आप इसके अंदर स्टीम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये जो चिमनी देख रहे हैं, ये आप इसे गैस से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसे आप लकड़ी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनाया जाता है और मार्केट में कैसे बेचा जाता है और कहाँ कहाँ बेचा जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये एक बॉयलर है, देसी भाषा में चिमनी भी कहते हैं। हमने इस पाइप के द्वारा इसमें 50 लीटर पानी डाला है। दोस्तों हमने यहाँ गैस लगा दिया है, चाहो तो आप इसे लकड़ी से भी जला सकते हैं, इससे आपका बजट आधा हो जाएगा। इसके अंदर पानी, हमने 50 लीटर पानी भरा है, वो अब बॉइल होगा अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कांच की नली है, इसमें वाटर का लेवल यहाँ तक रखना है। दोस्तों इसके अंदर जो पानी है वो स्टीम हो रहा है, ये पाइप के दौरान ऊपर जा रहा है। ये मीटर भाप को, भाप के टेम्परेचर को बताता है, 20 और 25 के बीच में ही रखना है इसे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, इन पाइपों के अंदर स्टीम है, तीनों पाइपों के अंदर स्टीम जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉपर है 33 kg का, इसके अंदर हम पानी भरेंगे। अभी हम पानी डालेंगे, अब इस होल को हम नीचे करेंगे जिससे ये पानी उबलना चालू हो जाएगा। होपर में भी पानी डालेंगे। थर्ड में भी हम पानी डालेंगे। लगभग हमने तीनों होपर में पानी भर दिया है बराबर मात्रा में। आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके लिए हमें मटर और स्वीट कॉर्न चाहिए। देसी भाषा में स्वीट कॉर्न को मक्का कहते हैं, और हमने मटर को छील के रख दिया है और स्वीट कॉर्न को भी छील दिया है। अब हम इन तीनों में मटेरियल डालेंगे अलग अलग। फर्स्ट में डालेंगे गाजर, सेकंड हॉपर में स्वीट कॉर्न डालेंगे, उसे आप मक्का भी बोल सकते हैं। और तीसरे में डालेंगे मटर। तीनों ऊपर में हमने अलग अलग मटेरियल डाल दिए हैं, इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक उबालेंगे। इन तीनों में हमने पानी भर दिया है।
अब हम इन तीनों के वॉल को नीचे करेंगे, वो भी धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि ये उबल रहा है और भाप आ रही है। लगभग इन्हें 5 से 6 मिनट स्टीम होने के लिए रखेंगे। लगभग हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये बॉयल हो चुके हैं। अब इन्हें हम खोल के चेक करेंगे। इन तीनों में जो बचा हुआ गर्म पानी है उसे हम बाहर निकालेंगे। नीचे नोजल दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं गर्म पानी हमारा बाहर निकल रहा है। मटर में से सारा पानी निकल चुका है। अब यहाँ से हम इस लोग को हटाएंगे जो लगा हुआ था, उसको नीचे लेंगे और मटर खाली कर देंगे। हमने ये सारे मटर खाली कर दिए। अब इसे ठंडे पानी में धो लेंगे। हमारा बॉईल हो चुका है, तो नीचे करके निकाल देंगे। अब इसे हम ठंडे पानी में धो लेंगे जैसे मटर को धोया था। मटेरियल है वो रेडी है। ये डी फ्रिज है -20 डिग्री में। इसके अंदर हम ये सारे प्रोडक्ट एक एक करके रख देंगे। फर्स्ट हमने रख दिया, सेकंड रख रहे हैं। ये लास्ट है जो हम अंदर रख रहे हैं। अब हम डी फ्रिज को बंद कर देंगे -20 डिग्री पे। हमने इसे बंद कर दिया है। अब ये -35 डिग्री तक होगा, तब तक इसे बंद रखेंगे। अभी हमारा 35 डिग्री फ्रोजन फूड रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। हमारा फ्रोजन फूड रेडी हो चुका है। इसे 1 साल तक कुछ भी नहीं होगा, इसको 1 साल तक यूज़ ले सकते हैं। इसे अब हम पैक करेंगे पॉलीथीन में। तो हम 0.5 किलो 1 किलो या उससे अधिक के पैकेट बना सकते हैं। इसे हम पैक करेंगे। अब
अब आप इन्हें पैक करके पास के मॉल में, होटल में, डेयरी में, कहीं पे भी सेल कर सकते हैं आसानी से। मैडम, आपने हमें वीडियो में बताया कि इस प्रोडक्ट की लाइफ लगभग एक साल तक है, एक साल तक ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होते हैं, तो इसको इस बिज़नेस को कैसे शुरू किया जा सकता है? देखिए सर, ये जो मटर और ये भुट्टे हैं सिर्फ 4 महीने के लिए ही मार्केट में आते हैं। इनको आगे के लिए 8 महीने के लिए जब ये मार्केट में नहीं आते, उसके लिए हमें इन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है इन्हें। यानी साथियों, जैसे मार्केट में ये जो भुट्टे हैं या हरे मटर्स है, ये तो लगभग 4 महीने के लिए आते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा आने वाला जो 8 महीने का जो सीज़न है, उस वक्त ये प्रोडक्ट मार्केट में रहते नहीं है, तो उस टाइम के लिए हम इसे स्टोर करके रखना है। जैसे एक साल भर चले, जैसे हरे मटर फ्रोजन फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, स्वीट कॉर्न है वो भी मार्केट में रेडीमेड ही मिल रहा है आजकल, आप सबको पता है, वही स्वीट कॉर्न और या हरा मटर से आप इस मशीन से बना सकते हैं। मैडम, ये बताइए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लागत कितनी आएगी? लगभग 1,80,000 की मशीन आएगी और डीप फ्रीजर अलग से लेना पड़ेगा आपको। यानी साथियों, लगभग 1,80,000 में आप ये बिजनेस घर से स्टार्ट कर सकते हैं। डीप फ्रीजर जो है आपको अलग से लेना पड़ेगा। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैडम की कंपनी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप उन्हें कॉल कीजिए कि फ्रोजन फूड। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने पूरा प्रोसेस देखा और जाना कि किस तरीके से ये बनाया जाता है, किस तरीके से स्टोर किया जाता है, दोस्तों आपने देखा है कि ये जो मटर है, गाजर है और स्वीट कॉर्न है, ये 12 महीने में सिर्फ 3 से 4 महीने ही मार्केट में आते हैं, इसके अलावा ये नहीं आते हैं। तो हमें इन्हें स्टोर करके रखना होता है, और जैसे खाने से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं या खाना खाने की स्टॉलें होती है, होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पर आप जो इसे है वो बेच सकते हैं और आराम से अपना है जो मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये उद्योग करना चाहते हैं, बहुत ही कम लागत का है और काफ़ी अच्छा इससे आप मुनाफा कमा सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप ये उद्योग करना चाहते हैं तो डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।